गुड मॉर्निंग। आज क्लास 11 के हम लोग वीडियो 7 लेकर के मिल रहे हैं। क्लास 11 के वीडियो 7 लेकर के मिल रहे हैं और आज का ये जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो ये क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे है उसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करें, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे हम बात करें द्रव्यमान कितना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है तो 5 kg, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है तो 5 kg, तो हम 5 kg को क्या हम 5000 ग्राम लिख सकते हैं? 5 kg को क्या हम 5000 ग्राम लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। 5 kg को हम 5000 ग्राम लिख सकते हैं। 5 kg को हम 5000 ग्राम लिख सकते हैं। तो 5 kg को जब हम 5000 ग्राम लिख सकते हैं तो ये हमारा द्रव्यमान हुआ, 5 kg द्रव्यमान हुआ। तो क्या 5000 ग्राम द्रव्यमान है कि नहीं? तो ये भी द्रव्यमान ही है, 5 kg द्रव्यमान है, 5 kg द्रव्यमान है। 5000 ग्राम क्या है? ये भी द्रव्यमान है, 5 kg द्रव्यमान है। 5000 ग्राम क्या है? तो ये भी द्रव्यमान ही है, 5 kg द्रव्यमान है और 5000 ग्राम भी द्रव्यमान है। अंतर क्या है? तो ये MKS पद्धति है और ये CGS पद्धति है। ये MKS पद्धति में है और ये CGS पद्धति में है। ये MKS पद्धति में है और ये CGS पद्धति में है। तो आपने क्या देखा कि जब पद्धति बदला तो संख्या भी बदल गया और मात्रक भी बदल गया। पद्धति बदला तो संख्या भी बदल गया और मात्रक भी बदल गया। यानी पद्धति बदलने से संख्या बदल जाता है और मात्रक भी बदल जाता है, लेकिन राशि नहीं बदलता। पद्धति बदलने से संख्या बदल जाता है, मात्रक बदल जाता है, लेकिन राशि नहीं बदलता है। याद रखिएगा, संख्या पद्धति बदलने से संख्या भी बदल जाएगा, मात्रक भी बदल जाएगा, लेकिन राशि नहीं बदलेगा। इस लाइन को याद रखिएगा। अभी हम इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे, उसके पहले एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने का जो तरीका है, किसी भी भौतिक राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो है संख्या गुना मात्रक। कोई भौतिक राशि हो, कोई भी भौतिक राशि हो, हम आपसे पूछे कि कोई भौतिक राशि का नाम लीजिए, द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान आपने बताया 5 kg। समय कितना है? 4 घंटा। लंबाई कितना है? 6 फीट। बहादुर समझने की कोशिश करें कि कोई भी राशि हम जब बोल रहे हैं तो उसका जो आप जवाब दे रहे हो वो संख्या और मात्रक के रूप में। किसी भी भौतिक राशि को हम पूछ रहे हैं तो जो आपका जवाब हो रहा है वो संख्या और मात्रक के रूप में हो रहा है। किसी भी भौतिक राशि को जब हम बोल रहे हैं, किसी भौतिक राशि का जब हम जवाब दे रहे हैं तो संख्या और मात्रक के रूप में जवाब दे रहे हैं। किसी भी भौतिक राशि का जो हम जवाब दे रहे हैं वो संख्या और मात्रक के रूप में जवाब दे रहे हैं। संख्या और मात्रक के रूप में जवाब दे रहे हैं हम। किसी भी भौतिक राशि को जो हम जवाब दे रहे हैं वो संख्या और मात्रक के रूप में जवाब दे रहे हैं। केवल संख्या की बात की जाए, केवल संख्या की बात की जाए कि क्या संख्या के रूप में ही जवाब दिया जा सकता है? जैसे आपका द्रव्यमान कितना है? 6। लंबाई कितना है? 5। समय कितना है? 4। केवल संख्या के रूप में? तो नहीं बहादुर, यह गलत है। किसी भी राशि का जवाब केवल संख्या के रूप में नहीं दिया जा सकता, उसी तरह केवल मात्रक के रूप में भी राशि का जवाब नहीं दिया सकता। जैसे आपकी लंबाई कितना है तो मात्रक के रूप में बोलेंगे तो फीट 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 फीट, 5 बार फीट, 5 फीट। नहीं बहादुर, यह गलत है। किसी भी राशि को हम केवल संख्या के रूप में या केवल मात्रक के रूप में हम नहीं जवाब दे सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं।
किसी भी राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो संख्या और गुना मात्रक, संख्या भाग मात्रक नहीं, संख्या गुना मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो संख्या गुना मात्रक होता है। किसी भी भौतिक राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो संख्या गुना मात्रक होता है। किसी भी भौतिक राशि को हम व्यक्त कर सकते हैं संख्या गुना मात्रक के रूप में, यानी किसी भी भौतिक राशि का जो व्यक्त करने का तरीका है वो राशि बराबर संख्या गुना मात्रक, क्यू बराबर एन इंटू यू, याद रखिएगा। किसी भौतिक राशि को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, किसी भौतिक राशि को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, राशि बराबर संख्या गुना मात्रक, क्यू बराबर एन इंटू यू। किसी भौतिक राशि को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, राशि बराबर संख्या गुना मात्रक, क्यू बराबर एन इंटू यू। अब हम बात करते हैं पहली पद्धति में, पहली पद्धति में, पहली पद्धति में बात करें तो राशि क्यू है, संख्या एन वन है और मात्रक यू वन है, संख्या एन वन है और मात्रक यू वन है। किसी भी भौतिक राशि की बात करें, किसी भौतिक राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो राशि बराबर संख्या गुना मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो राशि बराबर संख्या गुना मात्रक, क्यू बराबर एन वन इंटू यू वन, क्यू बराबर एन वन इंटू यू वन। किसी भौतिक राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो राशि बराबर संख्या गुना मात्रक, क्यू बराबर एन वन इंटू यू वन, क्यू बराबर एन वन इंटू यू वन। दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति में क्यू बराबर एन टू इंटू यू टू, दूसरी पद्धति में क्यू बराबर एन टू इंटू यू टू। क्योंकि आप जानते होंगे जब पद्धति बदलता है तो संख्या बदल जाता है, मात्रक बदल जाता है, लेकिन राशि नहीं बदलता। जब पद्धति बदलता है तो संख्या बदल जाता है, मात्रक बदल जाता है, लेकिन राशि नहीं बदलता, याद रखिएगा। कोई भी हम राशि की बात करें तो जब पद्धति बदलता है तो संख्या बदल जाता है, मात्रक बदल जाता है, लेकिन राशि नहीं बदलता। समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर, यानी एन वन ई वन बराबर एन टू यू टू, एन वन ई वन बराबर एन टू यू टू। किसी भी राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो पहली पद्धति में क्यू बराबर एन वन यू वन और दूसरी पद्धति में क्यू बराबर एन टू यू टू। जब राशि बदलेगा, सॉरी पद्धति बदलेगा तो राशि बदल जाएगा, लेकिन सॉरी राशि नहीं बदलेगा लेकिन संख्या बदल जाएगा, मात्रक बदल जाएगा। जब पद्धति बदलेगा तो संख्या बदल जाता है, मात्रक बदल जाता है, लेकिन राशि नहीं बदलता। तो क्यू बराबर एन वन यू वन, क्यू बराबर एन टू यू टू, लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर होगा, एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू, एन वन यू वन का मान जो है एन टू यू टू के मान के बराबर होगा, एन वन यू वन का जो मान है वो एन टू यू टू के मान के बराबर होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। किसी भौतिक राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो क्यू बराबर एन इंटू यू, राशि बराबर संख्या गुना मात्रक। किसी भी राशि को जो व्यक्त करने का तरीका है वो q बराबर n इंटू यू, संख्या गुना मात्रक। पहली पद्धति में बात करें तो q बराबर n1 u1, दूसरी पद्धति में q बराबर n2 u2। क्यों? क्योंकि पद्धति बदलता है तो संख्या बदल जाता है, मात्रक बदल जाता है, लेकिन राशि नहीं बदलता। जब संख्या बदल जाता है, मात्रक बदल जाता है, लेकिन राशि नहीं बदलता। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है एक न्यूटन को डाइन में बदलें, क्वेश्चन है एक न्यूटन को डाइन में बदलें, एक न्यूटन को डाइन में बदलें। तो एक न्यूटन को डाइन में बदलें इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, मतलब यह हुआ कि एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक मीटर को सेंटीमीटर में बदले मतलब एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, एक मीटर को सेंटीमीटर में बदले मतलब एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर,
एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक मीटर को सेंटीमीटर में बदले हैं, मतलब एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, याद रखिएगा एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो एक मीटर को सेंटीमीटर बदले का मतलब हुआ एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। उसी तरह एक न्यूटन को डाइन बदले, मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, एक न्यूटन को डाइन बदले, एक न्यूटन को डाइन बदले, मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, एक न्यूटन को डाइन में बदले तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन। हमने मान लिया कि एक न्यूटन बराबर एन टू डाइन, एक न्यूटन बराबर एन टू डाइन, हमने ऐसा मान लिया कि माना एक न्यूटन बराबर एन टू डाइन, एक न्यूटन बराबर एन टू डाइन, तो एक न्यूटन बराबर एन टू डाइन। तो एक न्यूटन का जो मान होता है वो होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स टू, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स टू एन टू, और डाइन का मान होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू। न्यूटन का मान होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, और डाइन का मान होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू। न्यूटन का मान होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, और डाइन का मान होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू। सेकेंड इनवर्स टू कट जाएगा एक। के का मान कितना होता है बहादुर, के का मान कितना होता है 10^3 g इंटू एम बराबर एन टू जी इंटू सी का मान हो जाएगा 10^-2, सी का मान 10^-2 इंटू एम। एक केजी मीटर सेकेंड वर्स टू एन टू ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड वर्स टू। डाइन का मान इतना होता है, न्यूटन का मान इतना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। न्यूटन का मान इतना होता है, डाइन का मान इतना होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ग्राम से ग्राम कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो हो गया 10^3 बराबर एन टू गुना 10^-2। 10^-2 बाटा में आ जाएगा तो हो जाएगा 10^3 बाटा 10^-2। माइनस दो ऊपर जाएगा, प्लस दो हो जाएगा, तो एन टू बराबर 10^5, एन टू बराबर 10^5। फाइनली एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन, एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन। एक न्यूटन को डाइन में बदलें, मतलब प्रश्न ये पूछ रहा था कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, एक न्यूटन को डाइन में बदलें, मतलब प्रश्न ये पूछ रहा था कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन। हमने मान लिया एक न्यूटन बराबर एन टू डाइन, एक न्यूटन बराबर एन टू डाइन। तो न्यूटन का मान इतना हो गया, डाइन का मान इतना हो गया, न्यूटन का मान इतना हुआ, डाइन का मान इतना हुआ। एक के का मान 10^3 जी एम, एन टू जी, सी का मान 10^-2 एम, जी से जी कटा, एम से एम कटा, 10^3 बराबर एन टू गुना 10^-2, 10^-2 बटा में आ गया, ऊपर गया प्लस दो, प्लस दो प्लस तीन प्लस पाँच होता गया। कहीं प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन है एक जूल को अर्ग में बदले, एक जूल को अर्ग में बदले, एक जूल को अर्ग में बदले। कह रहे हैं कि एक जूल को अर्ग बदलिए, एक जूल को अर्ग में बदलिए। तो कह रहे कि एक जूल को अर्ग में बदलिए, मतलब एक जूल बराबर कितना अर्ग, एक जूल को अर्ग बदलिए मतलब एक जूल बराबर कितना अर्ग। मान लिया, माना एक जूल बराबर एन टू अर्ग, एक जूल बराबर एन टू अर्ग। हमने मान लिया कि एक जूल का मान एन टू अर्ग के बराबर है, एक जूल बराबर एन टू अर्ग। एक जूल का मान केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, जूल का इतना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जूल का इतना होता है। एन टू
अर्घ का मान ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जूल का मान इतना होता है, अर्घ का मान इतना होता है, जूल का मान इतना होता है, अर्घ का मान इतना होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड इनवर्स टू, सेकेंड इनवर्स टू कट गया एक, के का मान 10 के पावर 3 जी, मीटर स्क्वायर का मीटर गुना मीटर एन टू जी, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, जी से जी कटेगा, 10 के पावर 3 मीटर गुना मीटर बराबर एन टू, सी का मान 10 के पावर माइनस 2 एम, सी का मान 10 के पावर माइनस 2 एम, सी का मान 10 के पावर माइनस 2 और सी का मान 10 के पावर माइनस 2, सी का मान 10 के पावर माइनस 2 और सी का मान 10 के पावर माइनस 2, तो एम से एम कटेगा, एम से एम कटेगा, तो 10 के पावर 3 बराबर एन टू गुना 10 के पावर माइनस 4, 10 के पावर माइनस 4 नीचे आ जाएगा बराबर एन टू, माइनस 4 ऊपर जाएगा प्लस 4, प्लस 4 और प्लस 3 प्लस 7, तो एन टू बराबर 10 के पावर 7, एन टू बराबर 10 के पावर 7, फाइनली 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, 1 जूल का मान जो है 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, 1 न्यूटन का मान 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, 1 न्यूटन का मान 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है और 1 जूल का मान 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पुश करके भी उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पुश करके भी उतार सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को पलट करके दिखा रहे हैं, इसी का उल्टा। जैसे प्रश्न है 1 न्यूटन को डाइन में बदले, तो अब हम प्रश्न दे रहे हैं 1 डाइन को न्यूटन में बदले, 1 डाइन को न्यूटन में बदले, 1 डाइन को न्यूटन में बदले, यानी 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन, 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन, 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन, माना 1 डाइन बराबर एन टू न्यूटन, 1 डाइन बराबर एन टू न्यूटन, तो 1 और डाइन का मान ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू, एन टू न्यूटन का मान केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, ये इतना होता है। डाइन का मान इतना होता है, न्यूटन का मान इतना होता है, डाइन का मान इतना होता है, न्यूटन का मान इतना होता है, सेकेंड इनवर्स टू, सेकेंड इनवर्स टू कट गया, 1 जी का मान जी, से का मान 10 के पावर माइनस 2 एम, एन टू के का मान 10 के पावर 3 जी इंटू एम, सी का मान इतना और के का मान इतना, जी से जी कटेगा, एम से एम कटेगा, तो हो गया 10 के पावर माइनस 2 बराबर एन टू गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर माइनस 2 नीचे है 10 के पावर 3 आ गया एन टू, 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा माइनस 3 और माइनस 2 पहले से है, एन टू बराबर 10 के पावर माइनस 5, फाइनली 1 डाइन बराबर 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, 1 डाइन बराबर 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, 1 डाइन बराबर 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, 1 डाइन का मान 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन के बराबर हो गया, 1 डाइन का मान 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन के बराबर हो गया। उसी तरह प्रश्न इसको भी देखिएगा, 1 जूल को अर्घ में बदले था ना, 1 जूल को अर्घ में बदले था, अब हम 1 अर्घ को जूल में बदल के दिखा रहे हैं, 1 अर्घ को जूल में बदल के दिखा रहे हैं कि 1 अर्घ बराबर कितना जूल, 1 अर्घ बराबर कितना जूल, 1 अर्घ को जूल में बदलें, 1 अर्घ को जूल में बदलें, मतलब 1 अर्घ बराबर कितना जूल, तो माना 1 अर्घ बराबर एन टू जूल, 1 अर्घ बराबर एन टू जूल, तो 1 अर्घ का मान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, एन टू जूल का मान केजी
मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू, एन टू जूल का केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू, सेकंड इनवर्स टू या सेकंड इनवर्स टू कट गया, एक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, एन टू के का मान 10 के पावर 3 जी मीटर स्क्वायर को मीटर गुना मीटर, के का मान 10 के पावर 3 रख दिए, जी से जी कटेगा, सी का 10 के पावर माइनस 2 एम, सी का 10 के पावर माइनस 2 एम बराबर एन टू गुना 10 के पावर 3 एम गुना एम, एम से एम कटेगा, एम से एम कटेगा, 10 के पावर माइनस 4 बराबर एन टू गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 बाटा में आ जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 4 बाटा 10 के पावर 3 बराबर एन टू, 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा माइनस 3 और माइनस 4 पहले से है, एन टू बराबर 10 के पावर माइनस 7, एन टू बराबर 10 के पावर माइनस 7, फाइनली एक अर्ग बराबर 10 के पावर माइनस 7 जूल, एक अर्ग बराबर 10 के पावर माइनस 7 जूल, एक अर्ग बराबर 10 के पावर माइनस 7 जूल, ये फाइनल आपका मान हो गया, एक अर्ग बराबर 10 के पावर माइनस 7 जूल। आप देख सकते हैं पहले वाला जो प्रश्न था वो था कि एक न्यूटन को डाइन में बदलें, अभी है एक डाइन को न्यूटन में बदलें, पहले था एक जूल को अर्ग में बदलें, अभी है एक अर्ग को जूल में बदलें, यानी उसी को पलट दिए। तो याद रखिएगा इस तरह से पलटने का जो तरीका है, बनाने का तरीका है, किस तरह से कितना आसानी से हम बना दिए। इसमें यदि किसी को कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप सवाल कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन चूंकि इस बार परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसे पहले थी, परिस्थितियां सामान्य रूप से नहीं है, इसीलिए उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं बनाया जाएगा जितना पहले के क्लास में बनाए जाते थे, ये सच्चाई है, इससे इनकार नहीं कह सकता। पहले परिस्थितियाँ कुछ और थी, अभी परिस्थितियाँ कुछ और है, तो पहले जो समय मिलता था उतना समय नहीं मिल रहा है, इसीलिए पहले जितना न्यूमेरिकल पढ़ाया जाता था अभी उतना न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आज के हम इस वीडियो में इतना ही रन देंगे, जिनको उतारना होगा स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पुश करके भी उतार सकते हैं। आज के हम इस क्लास को यहीं रन देंगे, धन्यवाद।